हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और बाहर आज भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई। तो और आज मैं छाता गाड़ी में भूल के आ गया हूँ, तो मैं जाऊँ कैसे? गाड़ी में उधर उधर में पार्क में खड़ी है, बहुत दिक्कत हो गई, लेकिन फिर भी अब देखता हूँ हल्की होने का। लेकिन आज बारिश बहुत तेज़ है, कल से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ओफो, तो चलते हैं, पहले दूध दूध पहन लेता हूँ, उसके बाद देखना पड़ेगा यार छाता की व्यवस्था कि घर के वहाँ गाड़ी कैसे निकालनी पड़ेगी। मैंने सोचा आज बारिश ही नहीं होगी या एक दिन बारिश होगी। ये बाहर चलते हैं, अभी दिखाता हूँ कि इतनी बारिश हो रही है। आज बारिश बहुत तेज है, गाड़ी फिर से आज भीगी गड़ी है, ये पूरा आंगन बारिश। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, कोई तो रोक लो, भीग जाऊंगा लगता है। चलते हैं एक बार, देखते हैं बारिश में भीग तो नहीं गए। भीग रहे हैं, बारिश में भीग जाऊंगा वहां जाने तक। तो बारिश बहुत तेज है, आ गए भाई छींटे गाड़ी की। तो बारिश में ऐसी भागते हुए जाना पड़ेगा, तो ऐसी भाई भीगते भीगते तो काफ़ी भीग गया हूँ, लेकिन ऐसे ही जाते हैं। सो बहुत तेज़ बारिश है भाई, पूरा भीग गया हूँ, लेकिन जाने का जरूर है। लेट भी हो गया क्योंकि आज एक जगह प्रोग्राम था। अब देखते हैं कैसे। ये रही गाड़ी, और एक तो एकदम बहुत हार्ड है कि ये देख, बाप रे, ये तो बहुत हार्ड। चलो गाड़ी में बैठते हैं। बैठ गए हैं भाई गाड़ी में, और बहुत, अरे भाई दुल्ला दुल्ला बना रहा है, और भीग भी गया भाई काफ़ी, तो काम है तो भाई जाना पड़ेगा। और छाता गाड़ी में ही रखी थी पीछे, ये रखिए छाता ले आना, भूल गया, यहाँ रखिए। अब मेरे घर घर ले ही नहीं गया, गाड़ी में ही छोड़ दी, तो सोचा बारिश होगी नहीं तो ध्यान रहा नहीं। तो चलते हैं, पहले गाड़ी मोड़ लो, या तो नहीं रहा है। और चलते हैं, बारिश तो आज बहुत तेज है भाई, बहुत तेज। ये मार्च के महीने में कौन सी बारिश हो रही है? करता हूँ, ये सामने पानी का ताल बन गया हमारे। चलो भाई देखी जाएगी। ए भाई गाड़ी की तरफ से आ गई, निकाल ले राहुल। बहुत तेज बारिश का रुक हो गया भैया। तो पहुंच चुके अपने गोदाम, और अभी कोई नहीं आया, सभी लोग अकेले बैठे हैं और कोई नहीं है, यही है बस हमारी टीम में। आज सबने कहा बारिश बहुत तेज हो रही है, तो छुट्टी करते हैं, तो देखते हैं अभी उनको बुलाने को। लेकिन आज एक प्रोग्राम है, अब वहाँ पहले कॉल करनी पड़ेगी कि भैया क्या है पोजीशन, क्या है कि बारिश को देखते हुए काम करने हैं या कंपलसरी है, वो काम करना ज़रूरी होगा या नहीं, वो पता चलेगा अभी। लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहे, तो अभी कर ही रहे हम इंतजार, क्या होता है। बाकी टीम सब दूसरे गोदाम में रेस्ट कर रही है, और एक ही आदमी अभी आए, विनोद भाई आए हैं हमारे। चलते हैं अभी, देखते हैं कितनी देर है अभी लोगों को। तो आज तो कोई चाय वाय पीने भी नहीं आया यहाँ पर को यार, तो बारिश में तो आज मैं ही पूरा भीग गया था घर से, वहाँ उतनी वहाँ से थोड़ी सी दूर में पूरा भीगा हुआ। तो निकल चुके हैं हम लोग भाई, आज टाटा जंगल में प्रोग्राम है, बहुत बहुत एडजस्टमेंट होकर ऐसे बैठा है, सामान वामान बहुत रखा हुआ है गाड़ी में। ओ भाई पहुँच गए हम रुद्रपुर के जंगल में, टाटा जंगल। ओ भाई कितना गाड़ी चला रहा है, पाँव लो आगे के कहाँ ओवरटेक करी भाई इसने, इधर को गेहूँ कितने हो रहे हैं भाई, पूरी खेती खेती है, गेहूँ हो रहे हैं ना, दब गए, बारिश से ख़राब भी हो गए गेहूँ कितने साइड के, पूरे दब गए, नुकसान भी हो जाता है खेती का। और एक गुरुद्वारा बन रहा है नया लग रहा है, और ये रहा यहाँ का बेल बाबा मंदिर।
सो आज का काम है हमारा टाटा जंगल में, पूरे जंगल जंगल के बीच बीच में वन विभाग का प्रोग्राम है, वन विभाग वालों का ये है उनका, और वहीं जाके पता चलेगा कि प्रोग्राम है किस चीज़ का। ये तो मुझे फाइनली पता नहीं है कि है किस चीज़ का, पता नहीं। चलते हैं भाई अभी देख ही रहे हैं। जंगल में सर बागों में मोर, ये बंदर वाली रोड में भागते हैं भैया। ये भाई लोग यहाँ बंदरों को खिला पिला रहे हैं। अब इधर कहाँ भाग रहे हो भाई, ये आ गया रोड में ही आराम नाल। पहुँच चुके हैं भाई, वन विभाग का प्रोग्राम है इधर, तो लगना किधर है अभी देखते हैं। चलो यहीं पे गाड़ी रोक दो फिलहाल, बताऊंगा अभी उतारना है। रुक जा। बारिश होने से हमारे घर के आगे ये हो गए भाई, गेहूँ की हालत डाउन, पूरे बैठ गए, आसान हो गया लगता है यार ये तो, पूरे बैठ गए। हवा और ऐसी चल रही है, बहुत देर से गाय भाई साहब कांटों में से क्रॉस करके आंस खा रही है। और तो गाड़ी अभी ये वहीं को जा रही है, तो हम अपनी गाड़ी में जाएंगे दूसरी। ओहो भाई सांड भी, क्या कर रहे हो ये देखो, कितना रिस्क लेके खाना आया भाई साहब दुनिया में। एक इधर लगी है गाय और उधर रखे नंदी भाई, सांड बैल नहीं सांड है। हो गया तुम्हारा खाना, पानी। आज इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए, अरे बाप रे। हाँ बड़े कौवे बड़े आ रहे हैं तेरे, और पहाड़ों में पूरी देखो धूप चमक रही है। हमारे यहाँ को धूप नहीं है, पहाड़ों में धूप है, पूरी धूप बिल्कुल ऐसे चमक रहे हैं। अभी तक धूप है, 6 बजने वाले हैं लेकिन पहाड़ों में अभी भी धूप चमक रही है भाई। ये दिख रहा है एरिया, पूरा धूप का, पूरा धूप आ रहा है। कौवे तो बहुत आने लगा, अरे 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 ये क्या है, ये कौन सी चिड़िया है। तूने बड़ा सताया है मुझे, अरे बहुत सारी चिड़िया आई है भाई, सही बारिश के उससे आई लग रहा है। तो चलते हैं ऊपर अपने को दम घर के, और सामान वामान तो पूरा आ चुका है, और प्रोग्राम की तैयारी करती थी वहाँ की, तो अब मैं जाऊँगा नहीं। अब देखता हूँ अगर मौका मिलेगा तो एक राउंड लेना पड़ेगा वहाँ का, नहीं तो इतना वो भी नहीं है बड़ा कि जाना पड़े, कंपलसरी भी नहीं इतना। तो चलते हैं पीछे, पूरी चिड़िया ही चिड़िया घूम मडरा रही भाई मेरे। तो चलते हैं, और एक तो एक का आजकल रिमोट ख़राब हो रहा भाई, तो इसे खुलने चाबी से पड़ रही है। तो चलते हैं अब, घर जाने का हो गया है टाइम, तो जिम की भी तैयारी करनी है। तूने बड़ा सताया है मुझे, तो चलो भाई हैंड ब्रेक डाउन। सुबह से तो बारिश हो रही थी, लेकिन अब शाम के समय पहाड़ों को उधर को ऊपर को सीधे धूप ऐसे चमक रही है। जहाँ तो भी सताया जाएगा। आज हमारे भैया को नया जॉब मिली है, अभी तैयारी चल रही है भाई, कपड़ा चाचा के पास आई है भैया, नए ड्यूटी की जॉब आई है भाई, टी शर्ट आ गई इनकी। जोमेटो की गाड़ी तैयार करने वाले कितने लोग हुए भाई साहब यहाँ, और काम आ नहीं रहा है किसी को भाई, फटाफट ये हमारे भाई लोग फटाफट कर लो भाई। हाँ ये कौन सा फ्रॉड चल लिया, चलो अभी जोमेटो में बात बहन है, चचा भी लगे हुए हैं हमारे भाई। क्या कर रहे हैं, बैग बांध, बैग क्यों नहीं बांध रहे यहाँ पर, बैग ले लिया बड़ी मुश्किल से यार। लगे भाई साहब हमारे मुंबली भाई भी लगे हुए हैं, दिस कॉल वेरी आज हो ही जाएगा भाई साहब, गाड़ी तैयार हो जाएगी आज। फाइनली बच चुकी है गाड़ी और जाने को तैयार है भाई, आज न्यू बिजनेस स्टार्ट भाई का। तो भाई अब काम में निकलते हैं हम भी अब, और सीधे हमें जिम की तैयारी करनी, चाचा भी अपने ऑफिस से आ गए,
और इन्हें भी निकलना है अपने ऑफिस के लिए। तो आपको ऑफिस कितने बजे से स्टार्ट है अभी? 7 PM से शाम के। अभी थोड़े 2 घंटे का ऑफिस का टाइम रहता है। हमारा ऑफिस रेस्ट हो गया, इनकी छुट्टी हो गई भाई, हम रेस्ट में आ गए हैं। हाँ, और हम निकलते हैं बघाड़े घूमने और ये रात को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, वैसा पहुँच गया मैं भी घर और जिम की तैयारी करनी है भाई, फटाफट तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद पता नहीं कब मौका मिले ना मिले, वैसा मुझे तो कभी कभी मौका मिलता है एक्सरसाइज करने का, और एक्सरसाइज करने का जब भी मौका मिले तो उसको छोड़ूंगा। तो गाइस आ चुका हूँ अपने घर एक्सरसाइज कंप्लीट करके। तो अब दूध वूध गर्म कर लेते हैं पहले, सबसे पहले दूध ही पी रहा हूँ और कुछ है नहीं। तो पहले हाथ हाथ धो लेते हैं, सीधा आके बैठा है मैंने, थोड़ा रिलैक्स ले लूँगा यार। दिन में भागा दौड़ फिर शाम को एकदम से वेट लिफ्टिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करूँ तो बॉडी बहुत एकदम से फिट हो रही है। मैंने कहा 5-10 मिनट आराम से बैठ के रेस्ट किया, बहुत हैवी हो गया है तो थोड़ा खाने की तैयारी करी जाए। वही दूध वूध गर्म करके आते हैं, जब तक तो फ्रिज में रखा हुआ है कल का दूध बचा हुआ था थोड़ा, उसी को गर्म करूँगा। मैं बाकी वाले जी बिस्किट उधर रखा है कोने पे, तो उसी को गर्म करने का है। तो मैं ला गया हूँ दूध वूध गर्म करके, और एक बिस्किट का पैकेट फाड़ लेता हूँ, बस एक बिस्किट का पैकेट लेने का है, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, बस इतना सा भाई यही खाना है और कुछ नहीं। और एक गिलास दूध वो भी इतना है क्योंकि कल का बच गया था, तो वही ले रहा हूँ और कुछ नहीं ले रहा हूँ शाम के समय, क्योंकि दिन में खाना खा लेता हूँ घर में ही और सुबह नाश्ता हो जाता है। बाकी शाम को बहुत सब चीज़ें अवॉइड करिए, कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू, क्योंकि बहुत फैट बढ़ चुका है और एक्सरसाइज भी चल रही है। तो बाकी यही चीज़ चल रही है अभी, कुछ नहीं। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ और मिलता हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट। और एक और चीज़, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, और मेरे चैनल में जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और कमेंट करके बताएं कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।